हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बैंड बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अगर इंडस्ट्री में आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करते हैं और केबल डालना होता है तो केबल ट्रे का नाम जरूर आता है, और केबल ट्रे में आपको बैंड की भी ज़रूरत जरूर पड़ती है कि जब भी आप केबल डालते हैं तो उसमें आपको बैंड बनाना पड़ता है। कुछ कंपनी में जो होता है रेडीमेड आता है और कुछ चीज़ों पर आपको बनाना पड़ता है, कहीं कहीं बहुत सारे इंडस्ट्री में बनाना पड़ता है। तो बैंड हम लोग अच्छे तरीके से अगर नहीं बनाएंगे तो अच्छा लुक भी नहीं आएगा, वहाँ का देखने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, या तो आप बिल्कुल 90 मार देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। केबल के लिए भी अच्छा नहीं रहता क्योंकि केबल बहुत ज़्यादा बैंड हो जाता है। जैसे मैं एसटीपी में आया हूँ तो वहाँ पे बैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मैं कैसे बैंड बना रहा हूँ आपको थंबनेल पे भी जैसा देखा था सेम वैसा ही बताने वाला हूँ, कट बताने वाला हूँ। इससे मेन डिपेंड करता है आपके कट के ऊपर कि कैसे कट कर रहे हैं बैंड को, आपके जो केबल ट्रे होता है उसको, क्योंकि पाइप का बैंड कट आप जो करते हैं वो अलग रहता है, पर आपको जो केबल ट्रे का रहता है कट वो अलग होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी हमसे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो ट्रे है 150 का ट्रे है, और ये हमारे फिटर साहब है, ब्रजेश फिटर साहब, और इन्होंने ही मार्किंग मारा है इस ट्रे के ऊपर, और यही बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। और उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। देखिए, ये एसटीपी प्लांट है, और ये एसटीपी प्लांट के बारे में मैंने बहुत सारे डिटेल्स वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारा प्रोसेस पता चल सकता है, साथ ही में जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है वो कैसे वर्क करता है और क्या काम होता है। जैसे एक्चुएटर भी लगा रहता है तो कैसे लिमिट लगाते हैं, कैसे उसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं, पीएलसी का वायरिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ें भी बताया हूँ। अगर वो भी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या मैं प्लेलिस्ट में भी आपको दे दूँगा। देखिए, तो यहाँ पर जो ये ट्रे है 150 का ट्रे है, ठीक है, और यहाँ पर मार्किंग जो कर रहे हैं ये 3 कट का है, ठीक है, 3 कट मारा गया है। जैसे मैं फिटर साहब इसको वेरीफाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 150 mm का, यहाँ पे भी 150 mm का, ये 3 कट में आ जाएगा, आपको कैसे आएगा वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ से आपको जो भी आगे का मान लीजिए जो बैंड होता है यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ तक क्या आपको डिस्टेंस होना चाहिए वो पहले भी आप मार्किंग कर सकते हैं, राइट फिटर साहब। एक इसके बाद से आपको क्या है कि एक पॉइंट ले लेना है, एक यहाँ पे जैसे ये पॉइंट लिया गया है और एक यहाँ पे ये पॉइंट लिया गया है। फिटर साहब जो ये पॉइंट लिए, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, हाँ ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से जो 150 का ट्रे है, स्पेशली मैं 150 mm का जो ट्रे होगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो ये जो मारे हैं सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और इस सेंटर पॉइंट से आपको जिस साइड से बैंड घुमाना है, जैसे मैं इसको कट कर दिया हूँ, मैं किस साइड से घुमा रहा हूँ उसके हिसाब से, ये मान लीजिए मुझे इस साइड से रोटेट करना होगा, इस साइड से, तो मुझे क्या करना होगा कि इस साइड से सेंटर लेके इधर से 40 mm और इधर से 40 mm लेना पड़ेगा, फिर ये कट करना पड़ेगा। जैसे ये कट किया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैं ये निकाल रहे हैं फिटर साहब, तो इसको देखिए ये क्या है कि निकालेंगे और यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि जो ये कट हुआ है, मान लीजिए ये जो कट था पॉइंट में, यहाँ से 40 mm, ठीक है, इधर, और ये 40 mm इधर, यानी कि टोटल जो हमारा कट होगा 80 mm, 80 mm कट होगा, और ये कट होने वाला है वो 3 में होने वाला है, एक कट ये है, एक दूसरा कट ये है, और तीसरा कट ये है, और सबका डिस्टेंस जो है 80 mm है, ठीक है। और ये अब समझेंगे कि कहाँ से ये कट किया गया है, तो देखिए जो इसका डिस्टेंस है 150 का ट्रे है हमारा, तो 150 का डिस्टेंस पे कट किया गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से ये जो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है वो टोटल 150 है, और इस सेंटर पॉइंट से हम इधर लेफ्ट साइड भी 40 mm ले लेंगे और राइट साइड भी 40 mm ले लेंगे, तो टोटल जो कट हो जाएगा 80 mm का कट हो जाएगा। अब मैं चेक कराऊंगा आपको कि ये जो कट हुआ है राइट एंगल में है कि नहीं, मतलब ये 90 डिग्री का बैंड बना भी है कि नहीं बना है, ये चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए, बैंड में भी 3 टाइप का बैंड होता है, एक शॉर्ट बैंड होता है, मीडियम बैंड होता है, और लॉन्ग बैंड होता है। तो आपको जो ये बैंड है ये मीडियम बैंड है, ये मीडियम बैंड ही ज़्यादातर प्लांट में यूज किया जाता है। तो चलिए अब इसका हम लोग राइट एंगल यूज देख लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए राइट एंगल है हमारे पास, और देखिए कट हटा देंगे तो इस टाइप का ये बेंड होगा।
और ये बेंड होने के साथ साथ में अब राइट एंगल चेक करना पड़ेगा। अब देखिए अभी यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर बैठ गया है, और यहाँ पे राइट एंगल है हमारे पास, और जो टेप भी है, और इससे ही मेजरमेंट करेंगे। थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो मैं उस चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि टाका लगा नहीं है अभी इसके अंदर में। तो अब देखिए इसको राइट एंगल चेक करने का तरीका होता है ये कि ये जो हमारे पास रहता है राइट एंगल, इसको एक साइड एक फेस पे रख लिया जाता है और फिर से हमें मेजर करना पड़ता है कि कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 आ रहा है, अब यहाँ पे भी 100 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अप्रॉक्स 100 ही आ रहा है, और 1-2 mm होता है, तो आप इस चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट साइड में कर करके। अब इस चीज़ों को हम लोग टाका लगा देंगे तो ये बेंड हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अब चलिए इसको टाका मारेंगे, और टाका मारने के लिए हमारे बिल्डर साहब हैं, तब ये बिल्डर साहब हमें इस चीज़ों को टाका मारेंगे और देखेंगे आप लोग कि इसका बेंड कितनी क्वालिटी का बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो आपको फिर इसके अपोजिट साइड का भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा, वो भी आप जरूर देखिए। तो राइट एंगल मिलाने के बाद से इस चीज़ों को बेल्डिंग से टाका मार देंगे, और मैं आपको बता दूं कि बेल्डिंग जब हो तो आप डायरेक्टली उस पर ना देखें, नहीं तो आँख में आपको बेल्डिंग लग सकता है, तो बहुत जलन होगी। तो इसमें जो क्या है कि टाका मारने के बाद से आप फुल बेल्डिंग कर सकते हैं। एक्चुअली आप टाका मारेंगे तो भी आपका ये अच्छे तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे आपने सेट किया था वैसे ही, देखिए आपको प्रॉपर तरीके से जो भी लाइन था वो सभी कनेक्ट हो गया। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बेकार देख रहा हो, ज़्यादा स्पेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छे से कटिंग करेंगे, अच्छे से मार्किंग करेंगे, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैं ये देख रहे हैं कि 150 का एक साइड इस साइड है, ठीक है, और उस साइड में 80 mm का था। सेंटर से 40 mm लेफ्ट और 40 mm राइट साइड कटिंग करना है, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट एक साइड का हो जाएगा, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है, और 3 कट में भी आपका ये हो गया बेंड रेडी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए किसी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।